Welcome to online study classes which is represented by DPS Dhaka. This video is for class 3 students. I hope you all are well and in this series we will study about our numbers. As you know that with the help of different digits we can form our numbers. अलग अलग डिजिट्स के हेल्प से हम लोग नंबर्स का फॉर्मेशन करते हैं. अब अलग अलग डिजिट्स कौन से होते हैं? 0 to 1 आर द डिजिट्स. बाय द हेल्प ऑफ 0 to 9 वी कैन फॉर्म अ डिफरेंट नंबर्स. अलग अलग नंबर्स हम लोग फॉर्म कर लेते हैं. अब फर्स्ट एक्सरसाइज जो होगा वो आपका रिकैप होगा जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे. आपके नंबर्स नेम दिए रहेंगे और उनको वर्ड में लिखना है. बाय द वे आपका रहेगा 101. तो ये आपको नंबर्स में लिखने होंगे. तो 101 ये ऐसे लिखते हैं. अब कुछ सेकेंड एक्सरसाइज होगा वो आपके नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि 525 दिए हुए हैं. अब इनके नंबर्स नेम लिखने हैं. तो हम लोग जानते हैं, वी हैव रेड इट इन क्लास 2 अबाउट अ 3 digit नंबर या 3 digits नंबर है. अब इसका नेम हमको लिखना है तो इजिली हम लोग आराम से लिख सकते हैं 525. सो ये हम लोग लिख सकते हैं. अब एक और भी एक्सरसाइज होगा. अब कुछ ऐसा होगा, अब कहेगा कि 220 के बिफोर कौन होता है और 220 के आफ्टर कौन होता है. बिफोर मतलब पहले कौन नंबर आता है. तो 220 में से 1 माइनस करेंगे तो 219, तो 219 होगा. अब जब भी हम लोग 1 ऐड करेंगे तो वो आफ्टर वाला होगा. मतलब 220 के आफ्टर का कौन नंबर होगा, तो 221 होगा. तो ये भी आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे. अब कहेगा एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स को चेंज करना है. तो एक्सपेंडेड फॉर्म में अब 220 है, तो 220 को हम लोग कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे. 200 + 10 जो होगा ये एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा. अब कोई हमारे पास नंबर होगा 526, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे. तो 500 + 20 + 6 ये जो होगा हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म होगा. ऐसे हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे. अगर हमारे पास नंबर्स होंगे 930 + 2 तो ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा. अब कहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए या शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, तो हम लोग इजिली लिखेंगे 932, इजिली लिख देंगे. सो इस तरह अब अगर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस आपके होंगे 700 + 8 once. अब मान लो आपके पास 700 है और 8 once है. 8 once means 8 into 1, it means 8 into 1 means 8. तो 8 तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 708 हो जाएंगे. सो अब कुछ कुछ नंबर्स होंगे, उनके बीच का नंबर आपको लिखना है. और ग्रेटर देन और स्मॉलर देन भी आइडेंटिफाई करना है. एज फॉर एग्जांपल आप देखोगे 118 और 181 में आपको बताना है विच इज अ ग्रेटर नंबर. सो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई विच इज अ ग्रेटर नंबर. 181 इज अ ग्रेटर नंबर, सो वी विल यूज अ ग्रेटर दिस सिंबल. दिस इज अ सिंबल विच इज यूज टू इंडिकेट अ ग्रेटर नंबर. सो नाउ यू नो व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कैसे नंबर को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं.
ascending order is the order in which we place the number from smaller to larger. ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम लोग छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हैं, छोटे से बड़े की ओर नंबर को प्लेस करते हैं, उस ऑर्डर को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट कहते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल उसके रिवर्स हो जाता है। और रिवर्स कैसे हो जाता है, हम लोग अरेंजमेंट इन विच वी प्लेस नंबर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यह अरेंजमेंट जिसमें हम लोग बड़े से छोटे की ओर नंबर को प्लेस करते हैं। सबसे पहले जो बड़ा होगा वो, उसके बाद का बड़ा, उसके बाद का बड़ा, उस ऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस कम ऑन आवर टॉपिक विच इज फोर डिजिट्स नंबर। फोर डिजिट्स नंबर क्या होते हैं? फोर डिजिट्स नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो फोर डिजिट से बने हुए हैं। आपको मालूम है फोर डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है? यस, 1000 इज द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। एंड अब नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फोर डिजिट लार्जेस्ट नंबर। फोर डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन होगा? तो 9999 इज आवर फोर डिजिट लार्जेस्ट नंबर। 9999 जो होगा फोर डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा। अब नाउ स्टूडेंट्स, इसमें वी हैव टू लर्न जो है प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है प्लेस वैल्यू? अलग अलग नंबर से हम लोग नंबर फॉर्मेशंस कैसे करते हैं। आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगा 1.1, वो कुछ ऐसे होंगे कलम्स और इसमें भरने हैं। तो ये इजी है आपका। ये 5051 है, 5052 है, तो इसके बाद का क्या नंबर होगा? आई होप यू ये इजीली आप लोग भर पाओगे। आपका एक्सरसाइज 1 और 2 आप आसानी से भर लोगे। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? वो होगा फॉर्मिंग नंबर्स। फॉर्मिंग नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स, अब अलग अलग हमारे पास डिजिट्स होंगे। मान लीजिए 9, 6, 6, 9, 2, 5। अब ये अलग अलग फोर नंबर्स हैं। अब आपको कहेगा, क्वेश्चंस होगा विदाउट रिपीटेशंस एनी नंबर यू हैव टू फॉर्म अ फोर डिजिट लार्जेस्ट नंबर बाय यूजिंग दिस नंबर्स। क्वेश्चंस रहेगा इन फोर इन डिजिट्स के मदद से फोर डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आपको बनाना है। तो बनाने के लिए इजी है, जो सबसे पहले बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद में 9 से छोटा कौन है तो 6 है, 6 से छोटा कौन है 5 है, और 5 से छोटा कौन है 2 है। तो इन 6, 9, 2, 5 से इन डिजिट के मदद से जो सबसे बड़ा नंबर हमको बनेगा वह कौन होगा? ये नंबर होगा। और इस नंबर को हम लोग कैसे क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे 9652, और इसमें कोमा भी ऐड कर देंगे क्योंकि 10 डिजिट के बाद पहला जो कोमा यूज होता है वह 3 डिजिट के बाद होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, अब अपना टॉपिक होगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आप लोग जानते हो कैसे निकालते हैं, जैसे कि 6 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो सिंपली 6 को नीचे लिख देंगे और इसके बाद का डिजिट्स काउंट कर लेंगे। कितने डिजिट्स है? 1, 2, 3 डिजिट्स है। इट मीन्स इसके बाद 6 के बाद 3 0 पुट कर देंगे। बहुत ईजी है। अब इस 5 का आपको कहेगा प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो इस 5 को ऐसे पुट कर देंगे और काउंट कर लेंगे 5 के
बाद जो है कितने डिजिट्स है, तो वन डिजिट्स है, इट मींस इस फाइव का जो है प्लेस वैल्यू कितने होंगे, 50 होंगे। अब इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा तो काउंट कर लेंगे, पहले तो ये नंबर को कॉपी कर लेंगे, और इसके पहले कितने डिजिट्स हैं तो 1 2, तो 2 0 पुट कर देंगे। इस तरह हम लोग प्लेस वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू चेंज होता है लेकिन फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे कि 6258 हमारा नंबर है, तो ये जो होगा 2 जो होगा, ये प्लेस वैल्यू इसका कितना होगा, 200 होगा, लेकिन फेस वैल्यू कितना होगा, बस 2 होगा। ठीक है, तो फेस वैल्यू कितना होगा 2, और प्लेस वैल्यू कितना होगा 200। और इसी तरह हम लोग एक और हमारा टॉपिक है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में, जैसे कि एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग किसी नंबर को एक्सपेंड कैसे करते हैं, मतलब एक नंबर है 6258, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग 6200+2000+5 0+8, ये जो होगा हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म, ये जो होगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप यू हैव एंजॉयड माय वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।